फाइव एंड लोड एप्लीकेशंस जिससे आप जिनका यूज़ करते हुए आप अपने मई 2017 की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसमें जो पहला एप्लीकेशन है उसका नाम है प्रिजिन वेब ब्राउजर। ये एक बेसिकली एक सिंपल वेब ब्राउजर है, तो ये हमारे इसमें फर्स्ट नंबर पर। इसकी जो डाउनलोड साइज एफ एस के जो स्पेस है वो सिर्फ 79.64 KB है। जी हाँ दोस्तों, 79.64 KB है। इसकी डाउनलोडिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। और इसमें कई सारी ऐसी सेटिंग्स है जो कि बाकी वेब ब्राउजर्स में भी अवेलेबल नहीं रहती, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ यूसी ब्राउजर या फिर गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स। यहाँ पे आप मैं आपको google.com खोल के दिखाता हूँ। इसे मैं टाइप किया www.google.com। सो अब ये इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि इसका स्पीड बहुत कम है तो ये काफ़ी फ्लुएंटली वर्क करता है। तो देख सकते हैं तुरंत खुल गया था, काफ़ी जल्दी खुल गया था google.com। सो आप कुछ भी और सेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं तो आपको एग्जांपल बस दिखा देता हूँ। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे नाइट मोड मिल जाता है, और सो नाइट मोड आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे ब्राउजिंग डाटा भी क्लियर कर सकते हैं। बस आपको थ्री लाइंस जो लेफ्ट साइड में दिख रही है लेफ्ट अपर कॉर्नर में, सो वहाँ से आपको कई सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, एसेसिबिलिटी और कई सारे और भी मतलब मिल जाएंगे। एड ब्लॉकर भी मिल जाता है इसमें आपको, और थर्ड पार्टी कुकी कैश ये सब यूज़ करने की भी मिल जाती है। अगर आपको दिखता नहीं लगा के अगर आपके आयरिस में थोड़ी प्रॉब्लम है सो आप इस टेक्स्ट साइज़ को बड़ी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी से दिख जाएगा। और आप यहाँ पे सर्च इंजन पर काफ़ी चेंज कर सकते हैं, गूगल, बिंगो, याहू, डकडकगो, बाइडू, यंडेक्स, नेवर, आस्क, कई सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो अभी डिफ़ॉल्ट सेट था गूगल, सो मैं गूगल ही सेट करूँगा। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट को जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उससे अगर आपको डेस्कटॉप वर्जन में यूज़ करना, मतलब जैसे आप डेस्कटॉप में यूज़ करते हो, आपको बस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यूज़ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये रिडायरेक्ट करेगा ऐसी वेबसाइट पे, जैसे कि मतलब मान लीजिए आप google.com जैसे अपने पीसी में खोलते हैं वैसे ही साइट पे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। सो इसका भी ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और अगर आपको फिर से उसी में जाना है मोबाइल वर्जन में, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे टाइप करना, फिर यूज़ मोबाइल साइट पे टाइप करना है। यहाँ पे कई सारे और भी फीचर्स दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं अपने से ही, मतलब तो देख सकते हैं आप लोग। सो गाइज, सेकेंड एप्लीकेशन जो हमारी लिस्ट में उसका नाम है 30 डेज फिटनेस चैलेंज। अगर आप एक फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हैं या फिर आप अपनी फिटनेस को लेके बहुत मतलब कॉन्शियस या फिर आप कह सकते हैं बहुत सीरियस रहते हैं, सो आपके लिए ये एप्लीकेशन बेस्ट है। सो जब आप इसे ओपन करेंगे आप सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कुछ एड्स पॉपअप हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको फुल बॉडी वर्कआउट अगर करना है तो आपको कई सारे टाइप के वर्कआउट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर फुल बॉडी वर्कआउट करना है तो आप स्टार्टिंग करिए इजी प्लान 1 से, फिर 30 डेज के बाद आपका इजी प्लान 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर इजी, फिर शायद मीडियम प्लान 1, फिर मीडियम प्लान 2, फिर हार्ड प्लान 1, हार्ड प्लान 2, ऐसा आपको स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी एक्सरसाइज धीरे धीरे टफ होती जाएगी और आपकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छी शेप में आती रहेगी। और इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज की डिटेल्स बता दें, जैसे आपको 15 जंपिंग जैक्स करने हैं, स्टेप अप ऑन टू चेयर करने हैं, और फिर आप फॉरवर्ड बटन टैप करेंगे तो कभी ऐड भी पॉपअप हो जाएगी, जैसे आपको डायरेक्टली ऐड क्लोज कर देना क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इसमें ऐड तो रहेगी। तो आपके यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कैसे आपको जंपिंग जैक करना है। सो उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है जैसे कि ये अब रेडी टू गो मतलब आपको करना है, तो आपको मोशन सेंसर यूज़ करके आपको पता लगेगा 5 बार मतलब 15 बार आपने की या नहीं, या फिर आप डायरेक्टली टिक पे भी टैप कर सकते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे वीडियो बटन जो था वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में वहाँ पे आप टाइप करके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैसे आप जंपिंग जैक कर सकते हैं। सो इसका भी काफ़ी अच्छा फीचर है ये, जो मतलब अगर आपको समझ में नहीं आती करना तो आप देख सकते हैं सीधे। सो अब मैं बैक बटन पे टाइप करता हूँ तो मुझे गुड नहीं देना। सो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टिक पे टाइप करके कि नीचे ऐड पॉपअप हो रही है, और नीचे आपको टिक पे टाइप करना है, जिससे आपको मतलब ये बेसिकली दूसरी एक्सरसाइज की तरफ ले जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज भी दिखा रहा है कैसे आपको करना है, तो आप बेसिकली कोई भी फीचर मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये पूरा दिखा रहा है कि आप कैसे मतलब कर सकते हैं, पुशअप भी दिखा रहा है, और ये मतलब काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है। मतलब जब आप कई बार करने जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टेक रेस्ट 5 सेकंड का, मतलब आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर दी, इसका ये दे रहा है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए 5 सेकंड का। सो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पुशअप्स का मतलब ये टाइमर वगैरह चल रहा है, सो आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ऐड पॉपअप हुई, ऐड को क्लोज करना है डायरेक्टली। सो आपको जैसे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फिनिश टुडेज, मतलब ये सब वगैरह वगैरह आप वेट भी एंटर कर सकते हैं कि आपने मतलब पहले दिन जब शुरुआत की थी तो आपका वेट कितना था, और जब आपने ख़त्म की पहले एक्सरसाइज तो आपका वेट कितना, मतलब 30 दिन बाद। सो आप यहाँ पे कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इजी प्लान 1 ही सेलेक्ट कर लिए, इससे आपको काफ़ी है। इसमें कई सारे मतलब 1% कम्प्लीट और ये सब वगैरह दिखाएगा।
दोस्तों थर्ड एप्लीकेशन जो हमारी लिस्ट में है वो मिस्टर फ़ोन। अगर आप एक टेकी गाय हैं मेरी तरह, या फिर आपको टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़ोन्स के बारे में जानकारी में, या फिर आपको किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन या फिर कंपेरिजन में, सो आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप कुछ स्पेसिफिकेशन सर्च कर सकते हैं और आप इसमें लेटेस्ट में टैब में जाके आप मतलब लेटेस्ट जो फ़ोन्स लॉन्च हुए उनके बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंपेयर करके दो फ़ोन, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Redmi 4, सो यहाँ पे Redmi Note 4 मतलब वही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Redmi Note 4 64GB। उसे किससे कंपेयर करना है तो उसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ Redmi Note 4A, सो 4A मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये कंपेरिजन करके दिखाएगा, मतलब ये इसके स्पेसिफिकेशंस की कंपेरिजन करेगा। उसमें कई सारे ऐसे और मतलब कैसे ऑप्शंस पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से मतलब आपको और भी पॉकेट में मतलब इसे आपको कितने दाम का पड़ेगा ये और कितने प्राइस है इसकी सब डिस्क में। यहाँ पे कंपैरिजन साइड बाय साइड डायरेक्टली हो रहा है। पहले तो इसने इमेज दिखा दी, जैसे कि Redmi Note 4 की ये इमेज है और अब ये इमेज दिखा रहा है Redmi Note 4A की, सो Redmi Note 4। सो आपको यहाँ पे मतलब इमेज में भी कंपैरिजन मिल जाता है और यहाँ पे आपको MIUI का भी मतलब सब कंपैरिजन, वेट कंपैरिजन, रेजोल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी और भी कई सारे कंपैरिजन्स मिल जाते हैं, फ्लैश, CPU, फिंगरप्रिंट और ये सब मिल जाते हैं कि फिंगरप्रिंट इसमें है कि नहीं है, और स्टोरेज वगैरह का भी मिल जाता है आपको और कई सारे प्राइसिंग का भी कंपैरिजन मिल जाता है। सो अगर आप यहाँ पे टॉप चार्ट में जाते हैं तो आपको टॉप के मतलब जो भी फ़ोन्स हैं उस सब के बारे में दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ किसी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 सर्च कर लेता हूँ। सिंपली बस S8 टाइप करना है मुझे, उसके बाद ये नीचे सजेशन में दे देगा, फिर मैं टाइप कर देता हूँ उस पर और उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन से मुझे दिखा देगा। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो आप शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं या अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स में अवेलेबल है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज दिखाई सैमसंग गैलेक्सी S8 की, फिर यहाँ पे पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले, कैमरा और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी वगैरह सब दिखा रहा है, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, अवेलेबिलिटी और सब वगैरह वगैरह। आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं लोगों की, आप खुद भी रिव्यू टाइप कर सकते हैं जिनके लोगों जिन्होंने खरीदा है वो आपको उन्हें कैसा लगा ये फ़ोन, और स्टोरीज भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मतलब। और यहाँ पे बाई पे टैब में अगर आप जाएंगे तो ये डायरेक्ट एक लिंक दे देगा जहाँ से आप बाई कर सकते हैं इस फ़ोन को। सो काफ़ी अच्छा फीचर है ये, सो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं तो कहूँगा आप इसे ट्राई दीजिए। दोस्तों फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारे लिस्ट में है वो है टेक्स्ट बैंड। दोस्तों ये अगर आप अपने मतलब कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर आप मतलब कहीं ऐसे मतलब होता है कई बार कई वर्ड जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अपनी ईमेल आईडी या फिर कुछ हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब कई बार आपको टाइप करना पड़ता है, सो आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ट है क्योंकि इसमें आप शॉर्टकट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ईमेल का शॉर्टकट बनाया था, मैं अपना मतलब ईमेल आईडी लिख दी और यहाँ पे और फिर मैंने उस पर लिख दिया था मेल शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है शॉर्टकट मतलब जो भी आपका मतलब जिसका शॉर्टकट आप बनाना चाहते हैं। मैं मतलब गुड मॉर्निंग का बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं गुड मॉर्निंग पे टाइप करता हूँ और फ्रेज में यहाँ पे टाइप करके आपको शॉर्टकट उसका चूज़ करना, मतलब जैसे GM मैं चूज़ कर लेता हूँ GM। सो आप बेसिक फीचर है, सो आपको मतलब बैक कर देना फिर जी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बग आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मतलब मैं खाली गुड साइड टाइप करता हूँ, मॉर्निंग छोड़ देता हूँ। सो GM उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, बैक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। फिर आपको अगर यूज़ करना कहीं भी आप व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या फिर कहीं भी इंस्टाग्राम वगैरह पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्राउज़र में यूज़ करके दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने अपने ईमेल आईडी को शॉर्ट फॉर्म लिखा था मेल, तो यहाँ पे मैं मेल टाइप करता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ गया, टिक के ऑप्शन पे आपको टाइप करना है, फिर आपकी ये मेल आईडी प्रिंट कर देगा डायरेक्टली और आपको कोई भी जो भी शॉर्टकट्स आप बनाए हैं वो सब मतलब वगैरह वगैरह सब ये प्रिंट कर देगा। आपको बस टिक के आइकन पे टैप करना है और मेक श्योर आप इसे इनेबल करके रखें और आपको एक्सेसिबिलिटी का मतलब परमिशन वगैरह मांगेगा तो आप सारे परमिशन दीजिएगा, कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेगा आपके फ़ोन में या फिर कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा आपके फ़ोन में। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें और आखिरी एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है बिटली। तो दोस्तों बिटली सिंपल सा मतलब लिंक शॉर्टनर ऐप है, साइट भी है, आप इसे कह सकते हैं साइट में भी अवेलेबल है ये bitly.com। सो आप इसमें कोई भी वेबसाइट की या फिर कोई भी लिंक आप इसे मतलब काफ़ी शॉर्ट एंड कर सकते हैं और काफ़ी मतलब छोटी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, सो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब आप कर सकते हैं इसे। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ पहले कि जैसे मैं कोई लिंक शेयर करता हूँ किसी वीडियो की, तो वो मतलब ऐसे दिखाएगा मतलब नॉर्मली डायरेक्ट लिंक जाएगी। सो और तब मैं आपको शॉर्टन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं खोलता हूँ
बिटली। सो आपके यहाँ पे प्लस के आइकन बॉटम राइट कॉर्नर में दिखेगा, वहाँ पे आपको टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने पेस्ट करना है लॉन्ग यूआरएल, फिर आपको क्रिएट पे टैप करना है, फिर आपको एक बार रिफ्रेश कर देना। उसके बाद ये जो लिंक आपने अभी क्रिएट किए है, जैसे देख सकते 32 होगी, तो आपने मतलब जो लिंक क्रिएट किया वो आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे टैप करना है टॉप राइट कॉर्नर में। फिर आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए bit.ly/rnshree मैं ले लेता हूँ। सो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ज्वाइन दिस ज्वाइन डैट, या फिर गो टू दिस, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं, मतलब go to google.com, या फिर कुछ भी ऐसे ले सकते हैं कस्टमाइज करने, ताकि आप समझ पाएँ कि ये किस मतलब किस पर्पज़ के लिए ये लिंक है। सो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, और काफ़ी अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस पांचों एप्लीकेशंस की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं सारे एप्लीकेशंस, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लिए, शेयर कर लिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब।